नमस्ते, आप सबको हमारा डिफो डायलिसिस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ डायलिसर, मतलब डायलिसर कितने टाइप का होता है और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन रहते हैं मेम्ब्रेन कितने टाइप का होता है। डायलिसर क्या है ये तो मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। डायलिसर बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी है। किडनी जब खराब होता है तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है। किडनी जब खराब हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को बाहर में डायलिसर के थ्रू फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर करके फिर रिटर्न हमारे बॉडी के अंदर भेजना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे ब्लड जो फिल्टर होता है वो डायलिसर के थ्रू होता है अगर किडनी खराब हो जाए तो। डायलिसिस मशीन के थ्रू ये किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर विलियम कुल्फ एक डायलिसर बनाया था जो कुल्फ रोटेटिंग ड्रम डायलिसर, वो डायलिसर ड्रम टाइप डायलिसर था। सबसे स्टार्टिंग में डायलिसर बनाया गया था। तो उसके बाद भी और भी डायलिसर आया है जो बेसिकली तीन टाइप में आता है। एक है कॉइल डायलिसर, दूसरा है पैरेलल प्लेट डायलिसर और तीसरा है होलो फाइबर डायलिसर। ठीक है, तो ये तीन डायलिसर के बारे में जान लेते हैं। तो कॉइल डायलिसर क्या है, ये एक कॉइल टाइप डायलिसर है जो बेसिकली देखने में ऐसा होता है और उसके अंदर से डायलिसर फ्लो भेजा जाता था और साइड से ब्लड फ्लो को भेजा जाता था। जैसे यहाँ पे ये अंदर से डायलिसर फ्लो भेजा जा रहा है, ये कॉइल डायलिसर है, अंदर से डायलिसर फ्लो भेजा जा रहा है, साइड से ब्लड फ्लो को भेजा जाता है। तो ऐसा एक कॉइल डायलिसर था। उसके बाद आया पैरेलल प्लेट डायलिसर या फिर किल डायलिसर, जो बेसिकली तीनों प्लेट वाइज ये डायलिसर था। ठीक है, जिसके ऊपर में टॉप बोर्ड, मिडिल बोर्ड और बॉटम बोर्ड, जिसके अंदर से मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड को भेजा जाता था और इधर से डायलिसर फ्लो को भेजा जाता था। इधर से डायलिसर जो फिलिंग जो डाटी डायलिसर है इधर से निकाला जाता था। ठीक है, और मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर से ब्लड को भेजा जाता था। तो ये प्लेट टाइप डायलिसर है जैसे यहाँ पे दिखाया। ठीक है, इधर से डायलिसर फ्लो जा रहा है, इधर से मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड फ्लो जा रहा है। तो ये तो हो गया पैरेलल प्लेट डायलिसर और तीसरा है होलो फाइबर डायलिसर जो बेसिकली अभी हो जाता है। इसके अंदर 20,000 सेपरेबल ट्यूब्स मेम्ब्रेन रहते हैं जिसका टोटल 4 पोर्ट रहते हैं, दो तो ब्लड कंपार्टमेंट के लिए और दो डायलिसर कंपार्टमेंट के लिए। एक साइड में डायलिसर कंपार्टमेंट और मिडिल में ब्लड कंपार्टमेंट जिसके अंदर मेम्ब्रेन रहता है। देखने में तो ऐसा होता है जो बेसिकली अभी हो जाता है। और ये दोनों ये सब डायलिसर 90s में चलता था, जो कॉइल डायलिसर और पैरेलल प्लेट डायलिसर। कॉइल डायलिसर कॉइल टाइप डायलिसर है और पैरेलल प्लेट ये प्लेट टाइप डायलिसर है। तो ये तो हो गया डायलिसर का तीनों टाइप्स। आप देख लेते हैं मेम्ब्रेन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, डायलिसर मेम्ब्रेन कितने टाइप्स का होता है। तो मेम्ब्रेन को चार टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है सेलुलोज, एक है सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज और तीसरा है सेलुलोज सिंथेटिक और चौथा है सिंथेटिक। सिंथेटिक बेसिकली अभी यूज होता है। ठीक है, और ये सेलुलोज सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज और सेलुलोज सिंथेटिक ये पहले यूज होता है और सिंथेटिक के अंदर पॉलीसिलिकॉन जो मेम्ब्रेन है ये अभी यूज होता है। ठीक है, और ये सेलुलोज मेम्ब्रेन क्या है। सेलुलोज मेम्ब्रेन प्रोड्यूस प्रिंसिपली फ्रॉम कॉटन। तो कॉटन से बना हुआ मेम्ब्रेन है। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके अंदर लार्ज अमाउंट में फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। ठीक है, तो सेलुलोज मेम्ब्रेन कितने टाइप में डिवाइडेड होता है। सेलुलोज क्रिप्टोमोनियम सेलुलोज, क्रिप्टोमोनियम रेयॉन और सिंप्लीफाइड सेलुलोज, ये है चार टाइप में डिवाइड होता है और ये सेलुलोज मेम्ब्रेन। अब देख लेते हैं सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज क्या है। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर सब्स्टिट्यूटेड केमिकली बॉन्डेड एसिटेट। तो क्या है, लार्ज अमाउंट पे इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है और ये केमिकली बॉन्डेड एसिटेट के साथ केमिकली बॉन्डेड रहता है। ठीक है, एसिडेट हमारे बॉडी के लिए भी बहुत काम करते हैं, ह्यूमन मेटाबॉलिक के लिए भी काम करते हैं एसिडिक एसिड। और ये बायोकंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बायोकंपैटिबिलिटी मतलब हमारे बॉडी के साथ कंफर्टेबल होता है। और ये तीन टाइप में डिवाइड होता है, सेलुलोज एसिटेट, सेलो डायसिटेट और सेलो डायसिटेट। ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज। अब देख लेते हैं सेलो सिंथेटिक। सेलो सिंथेटिक क्या है, ये सेलुलोज सिंथेटिक मटेरियल। तो ये सेलुलोज सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है और ये टर्शियरी एमिनो कंपाउंड इज एडेड टू दिस मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर एमिनो कंपाउंड एडेड रहता है। जैसे एमिनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा काम का होता है, प्रोटीन हार्मोन डेवलप करता है, तो इसलिए बायोकंपैटिबिलिटी है। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, सेलोसिन और हेमोफन। ठीक है, तो सेलो सिंथेटिक कैसे बनता है, ये बेसिकली सिंथेटिक मटेरियल है, इसके साथ सेलुलोज लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये तो हो गया सेलो सिंथेटिक। अब देख लेते हैं सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल क्या है, ये प्योर सिंथेटिक होता है, इसके अंदर सेलुलोज नहीं रहता है। तो ये चार टाइप में डिवाइड रहता है, पॉली एक्रिलोनिट्राइल PAN नाम से जाना जाता है, पॉली सल्फोन, पॉली कार्बोनेट, पॉलीमेड और पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट PMMA, ये होता है सिंथेटिक मटेरियल। तो अभी तो बेसिकली हमारा जो फ्रिजनस डायलिसर है उसके अंदर पॉलीसिल्फोन मेम्ब्रेन यूज होता है। ठीक है, और ये है डायलिसर। डायलिसर के अंदर मेम्ब्रेन ऐसा रहता है, इसके अंदर 20,000 जो सेपरेबल मेम्ब्रेन है ऐसा रहता है एक डायलिसर के अंदर, उससे ज्यादा भी रहता है। और ये जो है बेसिकली सेलुलोज मेम्ब्रेन है, तो ये बहुत टाइप का मेम्ब्रेन है जो देख सकते हो। और ये जो डायलिसर है ये अभी यूज होता है और ये इसका मेम्ब्रेन है। तो ये तो हो गया डायलिसर मेम्ब्रेन का टाइप्स और ये है डायलिसर का टाइप्स। डायलिसर कितने टाइप में है, तीन टाइप का डायलिसर है, एक कॉइल डायलिसर, एक किल या पैरेलल प्लेट डायलिसर और तीसरा है होलो फाइबर डायलिसर जो बेसिकली अभी यूज होता है। ठीक है, और एक किल और पैरेलल प्लेट डायलिसर पहले यूज होता था। और यहाँ पे है टाइप्स ऑफ डायलिसर मेम्ब्रेन, तो सेलुलोज सब्स्टिट्यूट सेलुलोज, सेलुलोज सिंथेटिक और सिंथेटिक, ये चारों टाइप का मेम्ब्रेन डायलिसर के अंदर यूज होता था। अभी बेसिकली जो पॉलीसिल्फोन है अभी फिजिनेस के अंदर यूज होते हैं। तो ये तो हो गया डायलिसर मेम्ब्रेन का टाइप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।